भारत में सर्वाधिक उत्पादन लेने के लिए उर्द की प्रमुख प्रजातियां जो हैं उनको निम्न रूपों में दर्शाया गया है, जिनमें से नंबर एक है टाइप 9। यह किस्म शीघ्र पकने वाली है और इसकी विशेषता यह है कि जायद तथा खरीफ दोनों ही मौसम में उगाई जा सकती है। यह खरीफ में लगभग 90 से 95 दिन में पकती है, जबकि जायद में यह 80 से 85 दिन में ही पक कर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। नंबर 2 टाइप 27। यह किस्म भी 130 से 135 दिन में पकती है। यह किस्म को केवल खरीफ मौसम में ही उगा सकते हैं। इसकी पैदावार 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। नंबर 3 टाइप 65। यह किस्म भी टाइप 27 की तरह ही है, परंतु इसका दाना चमकीला हरा होता है। इसकी पैदावार 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह केवल खरीफ में ही उगाई जा सकती है। नंबर 4 पूसा 1। यह किस्म 80 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है और खरीफ तथा जायद दोनों मौसमों में उगाई जा सकती है। इसकी फलियों में 5 से 6 दाने होते हैं। इसकी पैदावार 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। नंबर 5 पे जो प्रजाति आती है उसका नाम है पंथ उड़द 30। यह किस्म लगभग 80 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका दाना चमकीला काला तथा आकार मध्यम होता है। इसकी पैदावार 10-12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस किस्म में पत्तियां पर पीला मोजेक रोग नहीं लगता है। इसको खरीफ तथा जायद दोनों फसलों में उगाया जा सकता है। नंबर 6 पंथ उड़द 19। यह किस्म लगभग 80 से 82 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसको जायद तथा खरीफ दोनों ही मौसमों में उगाया जा सकता है। यह किस्म में पत्तियों पर पीला मोजक रोग नहीं लगता। इसकी पैदावार 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। नंबर 7 पंथ उड़द 35। यह किस्म लगभग 80 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह किस्म भी खरीफ तथा जायद मौसमों में उगाई जा सकती है। इसकी उपज क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। नंबर 8 नरेंद्र उड़द 1। यह किस्म 80 से 85 दिन में पकती है। इस जात में मोजा चित्ती रोग नहीं लगता है। इसकी उपज क्षमता 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। उर्द की फसल को गर्म तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है। उर्द की खेती समुद्र तल के 1800 मीटर की ऊंचाई तक सफलतापूर्वक की जा सकती है। उत्तर प्रदेश भारत में उड़द की बसंत ग्रीष्म व वर्षा ऋतुओं में उगाया जाता है। फूल आते समय भारी वर्षा में फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। उड़द की अधिकतर किस्में प्रकाश काल के लिए संवेदी होती हैं, अर्थात इनमें फूल आने के लिए रात्रि की अवधि का न्यूनतम अवधि में अधिक होना चाहिए। पौधों की उचित वृद्धि के लिए 24 अंश सेंटीग्रेड से 32 अंश सेंटीग्रेड तक तापमान उपयुक्त रहता है। उड़द की खेती लगभग हर प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु जल निकास वाली दोमट भूमि इसके लिए सर्वोत्तम रहती है। अम्लीय तथा क्षारीय भूमि इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। जो किसान भाई उर्द की खेती करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उर्द की खेती करने के लिए हमेशा उत्तम बीज का ही प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।